इसी तरीके से दिल को बोग्ज से, हसब से, कीना और कपट से पाक रखना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे, वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हासिद की हसब से, जो लोग मुझसे हसद कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तू उनसे मुझको महफूज रख। हासिद बहुत खतरनाक होता है, दिल में बोग्स, नफरत, हसद, ये इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। हमारे नबी ने फरमाया, लोगों अपने आप को हसद से बचाओ, इसलिए कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। आग जल रही है, आग भड़क रही है, उसमें लकड़ी डालते जाओ, लकड़ियां सब आग बन जाएंगी। इसी तरीके से इंसान नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ज़कात देता है, सदका खैरात करता है, हज और उमरे करता है, लोगों के सामने अच्छे अखलाक से पेश आता है, लेकिन दिल में हसद है, दिल में बोग्ज है, दिल में कीना है, दिल साफ नहीं है, उसकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। हमने नहीं कहा है, हमारे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है, इय्याकुम वल हसद, अपने आप को हसद से बचाओ। क्यों? इसलिए कि हसद नेकियों को ऐसे ही खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला तहसदु वला तबागदु वला तदाबरु वकूनु इबादल्लाह इख्वाना। अरे मुसलमानों, आपस में हसद ना करो। कोई आदमी बड़ा हो गया, वो कैसे बड़ा हो गया? किसी आदमी को ओहदा मिल गया, उसे कैसे मिल गया? मुझे मिलना चाहिए था। यह हसद, अपने भाई की तरक्की को देख करके दिल में हसद पैदा हो जाना। दिलों को साफ रखो, हमारा एक भाई तरक्की कर रहा है, अल्लाह ताला ने उसको चाहा, तरक्की दी, हमें खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं। अरे हमारा हिंदुस्तान तो बेटे की तरक्की पर बाप का कलेजा फट गया। हाँ, बेटा तरक्की किया तो बाप का कलेजा फट गया। बाप ये नहीं चाहता था कि बेटा उससे आगे बढ़े। हाँ, यूपी का इलेक्शन देखिए, जबकि दुनिया में सिर्फ बाप एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि उसका बेटा उससे भी आगे जाए। यह हसद जब इंसान के दिल में आ जाता है तो इंसान को निचली सतह तक पहुंचा देता है। इसीलिए नबी ने फरमाया, वला तहसदु, मुसलमानों आपस में हसद ना करो, वला तबागजु, आपस में बुग्ज ना रखो। बास लोग खामखाब बुग्ज रखते हैं, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपना कमा रहे हैं खा रहे हैं, आप अपना कमा रहे हैं खा रहे हैं, लेकिन इतना साफ सुथरा कैसे रहता है, इतना मोटा तगड़ा कैसे हो गया, लोग इसको चाहते क्यों हैं? ये बुग्ज है। इंसान बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबब के एक दूसरे से बुग्ज करने लगता। नबी ने फरमाया, वला तबागदु, मुसलमानों आपस में बुग्ज ना करो, वला तहसदु वला तबागदु वला तदाबरु, और एक दूसरे को पीठ ना दिखाओ। उधर से आ रहा है हमारा भाई, इधर से हम जा रहे हैं, हमें सलाम करना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए, नहीं वो सामने वाला आ रहा है, हम दूसरी गली में चले गए, हमें उससे बात नहीं करनी, हमें उसको मुंह नहीं दिखाना। अरे ये कौन सी बात हुई? आज दिलों में बोझ रख करके सगा भाई सगे भाई से बात नहीं करता है, दिलों में बोझ है, नफरत है, सगा भाई बहन से बात नहीं करता है। कितने बदनसीब हैं, अपने बाप से बात नहीं करते हैं, कितने बदनसीब हैं जो अपनी मां से बात नहीं करते। नबी ने फरमाया, वला तदाबरू,
और किसी को पीठ ना दिखाओ, सामने आ रहा है सलाम करो, दुआ करो, हालचाल पूछो। भाई भाई में नफरत, भाई भाई में बोक्स, भाई भाई में अदावत, ये क्या बात है? नमाज पढ़ते हैं कबूल नहीं होगी, रोजा रखते हैं कबूल नहीं होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब दो मुसलमान आपस में बातचीत करना बंद कर दें, दिल में बोक्स रखें और एक दूसरे से कलाम करना बंद कर दें, जब तक वो दोनों आपस में मिल नहीं जाते हैं उनकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, ना फर्ज ना नफिल। आज हम समझते हैं मैं क्यों उससे बात करना, मैं क्यों उसके सामने झुकना। मन तवाज़ा लिल्लाही, हमारे नबी ने फरमाया जो अल्लाह के लिए तवाज़ो अख्तियार करता है यरफ़ाउहुल्लाह, अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। हमने अल्लाह के लिए तवाज़ो अख्तियार की, हमारा भाई गरचे वो गलती किया है लेकिन हमने अपने भाई की गलती को माफ कर दिया, हमने अपना कलेजा बड़ा कर दिया, हमने अपने दिल को साफ कर दिया, हमने अपने भाई से गुफ्तगू कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के लिए तवाज़ो अख्तियार किया, तेरा मर्तबा अल्लाह के यहां बुलंद हो गया और भाई के यहां भी तेरा मर्तबा बुलंद हो गया। लेकिन कहां दिलों में सफाई है, कौन झुकना चाहता है? हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, हम तो झुकना नहीं चाहते हैं। मेरे भाइयों, हमारे नबी ने फरमाया वला तदाबरू वकूनु इबादुल्लाह इख्वाना, मुसलमानों आपस में भाई भाई बनकर रहो। सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह से हैं, जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से में अगर कोई तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म पर उसका असर होता, पांव के तालू में, पांव की तलवे में अगर कांटा चुभता है तो तालू तक उसका एहसास होता, तालू से लेकर के तलवे तक, अंगूठे से लेकर के आंखों तक इंसान के जिस्म जुड़े हुए हैं। किसी मुसलमान को तकलीफ हुई हमें बेचैन होना चाहिए, लेकिन आज बोग्स, अदावत, नफरत, कीना, कपट हमारे दिलों में पड़ा हुआ, इसीलिए अटैक ज्यादा आ रहा है। आज लोग अटैक से मर रहे हैं, क्यों? दिल साफ नहीं रह गया, दिल पाक नहीं रह गया, एक्सटर्नल इंटरनल कचरे भरे हुए हैं। अपने दिलों को पाक करो, दुनिया भी सुकून की रहेगी, आखिरत भी सुकून की रहेगी। दिलों को पाक नहीं करोगे, दुनिया में भी सुकून नहीं, आखिरत में भी सुकून नहीं। मेरे भाइयों, हसद से अपने आप को बचाओ, बड़ी खतरनाक बीमारी है हसद। जब इंसान के अंदर पैदा हो जाता है तो इंसान अपनी फिक्र नहीं करता है दूसरे की। अल्लाह ताला ने इबलीस को जन्नत से निकाल दिया, क्यों? आदम को सजदा नहीं किया, आदम को अल्लाह ताला ने जन्नत में छोड़ा, उनकी बीवी से और उनसे कहा जन्नत में जहां चाहो रहो, जो चाहो खाओ पियो, पूरी जन्नत तुम्हारी है, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना। हसद। इबलीस ने जब देखा कि आदम को इतना ऊंचा मकाम मिला, हसद में जल भुन उठा, आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने का प्लान बनाया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, नबी हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, फिर भी शैतान ने हसद की बुनियाद पर उनसे गलती करवा दी। करवाई कि नहीं? कहा आदम मेरी बात मान लो, हव्वा मेरी बात मान लो, अल्लाह ताला ने इस दरख्त से तुमको इसलिए मना किया है, ये दरख्त खा लोगे हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे, इसीलिए अल्लाह ताला ने तुमको मना कर दिया, मेरी बात मानो। मिस्कीन सूरत बना के गया और मिसगाइड किया, खिलाया। हसद की बुनियाद पर इबलीस ने आदम को, हव्वा को शजरे ममनुआ खिलवाया और जन्नत से निकलवा दिया। कहा मैं नहीं रहूंगा तो तुमको भी नहीं रहने दूंगा,
आज हमारे कितने लोग हैं, चल कोई बात नहीं है, मैं मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। अरे भाई मेरा नहीं तो किसी का तो हो जाना चाहिए, मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। कैसी हसद, कैसा बोझ, कैसी नफरत मेरे भाइयों, कहीं आग लग जाए। कहते हैं यार उसका पूरा घर जल गया और उसी के बगल में इसका घर बिल्कुल बच गया। अब इसको यह फिक्र नहीं है कि इसका घर क्यों जल गया, इसको यह फिक्र है ये जल गया परवाह नहीं, ये बच क्यों गया। ये है हसद, है कि नहीं। कहां से बरकत होगी जब दिलों में सफाई नहीं है, जब दिल साफ नहीं है, अल्लाह ताला कैसे बरकत देगा। इबलीस ने हसद की बुनियाद पर आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवा दिया। नबी हैं, पैगंबर हैं, जन्नत में हैं, अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है, फिर भी इबलीस ने मिसगाइड कर दिया। हम सोचते हैं हमको कौन गुमराह करेगा, कितने कितने कितनों की तपस्या भंग हुई, कितने बड़े बड़े वली जो थे शैतान सिफत हो गए। मेरे भाइयों शैतान कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। दिलों को साफ रखो हसद से। हसद की बुनियाद पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं, तो आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा ये ख्वाब किसी को मत बताना। याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते थे। बाप की मोहब्बत को देख करके सगे भाइयों में हसद पैदा हो गया। सगे भाइयों ने यूसुफ को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया और अपने बाप से कहा, आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते। कहा, बेटा कोई बात नहीं है, मुझे डर लगता है छोटा है भेड़िया खा जाएगा। कहा, हम नौजवान हैं, हमारे भाई को भेड़िया कैसे खाएगा। चुनांचे उन लोगों ने बहला फुसला करके अपने बाप को तैयार किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भेजने के लिए तैयार हो गए। इन लोगों ने अपने सगे भाई को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। अल्लाह ताला ने एक भाई के दिल में हमदर्दी पैदा कर दी। कहा, अरे यार ये हमारा अपना भाई है, इसको हम कत्ल क्यों करेंगे, हमें कुछ करना ही है तो इसको कुएं में डाल दें। किसने किया, दुश्मनों ने, अपनों ने किया, सगे भाइयों ने किया। ले जाकर के सगे भाई को कुएं में डाल दिया। हासिदीन हसद में जलते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ को मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। मेरे भाइयों दिल को साफ रखो हसद से। हसद करने वाले को कभी तरक्की नहीं मिलती है। 11 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए गए और वही भाई जिसको हसद की बुनियाद पर कुएं में डाल दिया गया था, वही भाई अपने भाइयों को गल्ला तकसीम कर रहा है। दिलों को पाक करो, बड़ा करो फख्र से, गुरूर से, तकब्बुर से, घमंड से, हसद से। दिल को पाक रखो, बोझ कम रहेगा, जिंदगी सुकून की गुजरेगी। दिल को हसद से पाक रखो। हसद की बुनियाद पर सगे भाई काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। दोनों ने कुर्बानियां दी। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। काबिल ने कहा, तेरी कबूल हुई तो मेरी क्यों नहीं हुई। कहा, भाई अल्लाह मुत्तकियों की कबूल करता, ये अल्लाह का मामला है। कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा, मैं तो डिफेंस भी नहीं करूंगा, डिफेंस भी नहीं करूंगा। सगे भाई ने सगे भाई को कत्ल कर दिया। यह हसद बड़ी खतरनाक चीज है। इबलीस ने आदम को जन्नत से निकलवा दिया, यूसुफ के सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया,
आदम के दो बेटों में काबिल ने हाबिल को हसद की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया। आज हसद की बुनियाद पर कितने भाई दूसरे भाइयों को कत्ल करते हैं, कितने बहनों का कत्ल होता, कितने बाप का कत्ल होता है। यह हसद खानदान को तोड़ देने वाला। कैसी कैसी बुराइयां आ गई हैं हमारे दिलों में। हम नमाज पढ़ते हैं दिल में हसद रखकर, हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं दिल में नफरत रखकर, हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं दिल में बदगुमानी रख करके। कामयाबी के लिए कल्बे सलीम जरूरी है। कल्बे सलीम उस दिल को कहते हैं जो हर तरह के गुनाहों से, गलाजतों से पाक हो। मेरे भाइयों, हसद की बुनियाद पर यहूदी नबी पर ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, अय नबी, ये आपको ऐसे ही जानते हैं जैसे अपने बच्चों को जानते हैं, और आपके बारे में इन्होंने पढ़ा भी है, लेकिन हसद की बुनियाद पर नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए। क्यों? नबूवत इसहाक की नस्ल में थी, ये इस्माइल की नस्ल में कैसे चली गई? ये हसद बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाइयों। तो दिल की सफाई बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला दिल को ही देखता है, चेहरे को नहीं देखता। इन अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमल को देखता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल को साफ फरमाए, पाक फरमाए, हर तरह की गलाजतों से, गंदगियों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जब तक हमको दुनिया में रखे, इस्लाम पर कायम रखे, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।